तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रेलिक मूवी को, जो कि हाल ही में 3 जुलाई को रिलीज की गई है। ये एक ऑस्ट्रेलियन हॉरर फिल्म है जो कि काइंड ऑफ थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर इसके अंदर काफी सारे हिडन मीनिंग्स और ये काइंड ऑफ मेटाफोर वाली फिल्म है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है नेटली एरिका जेम्स ने, जो कि उनका डायरेक्शनल डेब्यू है, यानी कि ये उनकी पहली फिल्म है एज अ डायरेक्टर एंड उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है यहाँ पर। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि आपको बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। फिल्म की शुरुआत रूरल ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े से घर में क्रिसमस के दिन शुरू होती है और एक ओल्ड लेडी एडना बिना किसी कपड़ों के वहां पर खड़ी हुई थी, जिसको कोई भी सुध नहीं था कि वहां पर हो क्या रहा था। अब एक साल के बाद में एडना की बेटी के और पोती सैम उससे मिलने के लिए आते हैं, बट घर के अंदर उनको उनकी दादी और माँ नहीं मिलती। इनके पड़ोसियों का ये कहना था कि उन्होंने कई दिन से एडना को नहीं देखा है, मीनिंग ना ही वो बाहर गई है और ना ही वो घर में थी। अब एडना का घर एक पुराने गोडाउन जैसा था, धूल मिट्टी थी, घर पर हर जगह काले धब्बे यानी कि ब्लैक मोल्ड थे, चीजें बिखरी पड़ी थी, फ्रूट सड़ चुके थे, हर डोर पर नए लॉक्स थे, हर जगह नोट्स चिपकी हुई थी जिसके अंदर कुछ सामान्य बातें थी जैसे कि अलार्म सेट करो, खाना बनाओ एटसेट्रा, और कुछ अजीब बातें भी थी जैसे कि उसका पीछा मत करो और उससे दूर रहो। यहाँ पर ऐसा लगता है कि एडना को डिमेंशिया था। इस बीमारी में इंसान चीजें भूलने लगता है और डेली चीजों की फंक्शनिंग भी अफेक्ट होती है। काइंड ऑफ सिमिलर कॉन्सेप्ट हमने द टेकिंग ऑफ डेबोरा लोगन मूवी में देखा है, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, और अगर आप उस एक्सप्लेनेशन को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब के पुलिस स्टेशन में माइक को खबर करती है और सभी लोग एडना को जंगल में ढूंढने लगते हैं। घर पर के और सैम क्लीनिंग करते हैं। सैम को घर के स्टोर रूम के एक वॉक इन क्लोजेट में एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, देखने पर वहां पर कुछ नहीं होता। अब एडना के पड़ोसी का बेटा जेमी, जो कि सैम का बचपन का फ्रेंड था, वो घर पर आने से डरता है। वो उससे दूर से ही हालचाल पूछता है और उसके साथ स्मोकिंग ट्राई करता है। लुक्स लाइक कि जेमी को डाउन सिंड्रोम था। बाद में के और सैम को फिर से एक अजीब सी आवाज हॉल के दीवार के पीछे से सुनाई देती है और वॉल पर ढेर सारा ब्लैक मोल्ड था। रात में के को एक सपना आता है कि जहां पर वो एक पुराने कैबिन के अंदर एक बूढ़े आदमी को देखती है। बाद में उस आदमी की पूरी बॉडी ब्लैक हो जाती है, वो देखने में काफी ज्यादा डरावना था, और अब अचानक से ही वो मर जाता है। अगली सुबह एडना घर वापस आकर टी बनाने लगती है। पूछने पर वो ये कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है कि वो कहां पर थी, उसका बिहेवियर बिल्कुल बदल गया था। अब एक डॉक्टर उसका फिजिकल टेस्ट करती है और टेस्ट करने के बाद में पता चलता है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहां पर एक प्रॉब्लम ये थी कि डॉक्टर उससे ये पूछती है कि उसकी चेस्ट पर ये काला धब्बा कैसा है। एडना उसका जवाब नहीं देती और ये कहती है कि उसको कुछ नहीं पता। यहाँ पर डॉक्टर के को एडना को अकेला ना छोड़ने की एडवाइस देती है। के अपनी लाइफ में काफी ज्यादा बिजी थी, इसलिए वो एडना का ख्याल रखने की हालत में नहीं थी। वो ये डिसाइड करती है कि एक ओल्ड एज होम ही बेस्ट ऑप्शन होगा एडना के लिए। रात में सैम को एक स्केचबुक मिलती है जहां पर वो कैबिन का स्केच भी था जिसे के ने सपने में देखा था। के ये कहती है कि वो उसके परदादा का घर था, उन्हें भी डिमेंशिया था। वो ये बताती है कि उनके फैमिली मेंबर्स ने उनका साथ छोड़ दिया था और वो अकेले ही उस घर में मर गए थे। उसी घर के कुछ पार्ट्स को एडना का घर बनाने में भी इस्तेमाल किया गया था, यानी कि वो फ्रंट वाला ग्लास। रात में अब एडना अकेले एक कोने में खड़े होकर कुछ बड़बड़ा रही थी। के उससे फिर से उसके बेड पर सुलाती है और अब एडना डर के ये कहती है कि वो मेरे बेड के नीचे है, उसको चेक करो। के उसे समझाती है कि वहां पर कोई भी नहीं है। एडना के इंसिस्ट करने पर वो चेक भी करती है और वहां पर उसको कुछ चीज हिलती हुई जरूर दिखती है, लेकिन तभी अचानक से एडना उसके ऊपर एक किताब फेंक देती है जिससे उसका सर उसके बेड पर लगता है और के उस पर काफी गुस्सा करती है कि ये उसने जानबूझकर किया है। यहाँ पर चीज ये थी कि एडना का डिमेंशिया बढ़ता जा रहा था। खैर, अगले दिन अब के मेलबर्न जाकर एक 5-स्टार ओल्ड एज होम को चेक करती है जो कि उसको काफी पसंद आता है। वहाँ की फैसिलिटी से वो काफी ज्यादा खुश थी। एडना उसकी बिजी लाइफस्टाइल में फिट नहीं बैठ रही थी, इसलिए वो दूसरा ऑप्शन ना होने के कारण रोते रोते एक स्लॉट बुक कर देती है। मीनवाइल घर में एडना कुछ पल के लिए खुश रहती है, म्यूजिक लगाकर सैम के साथ डांस भी करती है, लेकिन अगले ही पल वो वॉयलेंट होकर उसे डांट देती है और जो रिंग उसने
सैम को दी थी वो उसे जबरदस्ती उसको छीन लेती है। उस रात वो स्टोर रूम के सामने खड़े होकर सैम से ये कहती है कि वो यहीं आया होगा। उसके आने के बाद ही सब अजीब हो रहा है, अजीब सी फीलिंग्स आती हैं और सारी मेमोरीज गायब हो गई हैं। अब यहाँ पर के को एक और सपना हॉन्ट करता है कि जहाँ पर वो एडना को उसी कैबिन में देखती है। अब पूरा कैबिन और फ्रंट ग्लास विंडो वैसे ही काले धब्बों से भर जाता है जैसा कि काले धब्बे एडना के छाती पर थे। अब अगली सुबह सैम अपने पड़ोसी से जाकर ये पूछती है कि जिमी को उनके घर क्यों नहीं आने दिया जाता। पड़ोसी ये कहता है कि कुछ महीने पहले एडना और जिमी हाइड एंड सीक खेल रहे थे। जिमी स्टोर रूम में छुपा हुआ था लेकिन एडना ने उसे वहीं पर लॉक कर दिया था और वहां पर वो घंटों तक था। जिमी डोर बजाता रहा पर उसने उसकी बात नहीं सुनी और डोर को नहीं खोला और तभी से उन लोगों ने उसको वहां जाने से मना कर दिया था। सैम ये सुनकर थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है। अब एडना अपने घर से एक फोटो एल्बम को लेकर घर से बाहर निकलती है। के उसे देखकर उसका पीछा करती है और एडना अब एक गड्ढे में एल्बम को दबाने लगती है और यहाँ पर सबसे स्ट्रेंज बात ये थी कि वो कुछ फोटोज को खाने भी लगती है। के यहाँ पर शॉक में आकर उसे रोकने लगती है। एडना गुस्से में ये कहती है कि यही एक रास्ता है मेमोरीज को बचाने का, वरना वो घर के सारे मेमोरीज को नष्ट कर देगी। के को यहाँ पर ये यकीन हो जाता है कि उसकी मॉम की मेंटल कंडीशन बेहद खराब है। यहाँ पर के को उसकी गलती याद आती है और वो रोते हुए ये कहती है कि वो उसे अपने साथ ही रखेगी। अब सैम घर आकर उस स्टोर रूम को फिर से चेक करती है, तब उसे वहां पर एक डोर मिलता है और डरते हुए वो उसके अंदर चली जाती है तो उसको एक लंबा सा रास्ता मिलता है और वो उसका पीछा करती है जो कि खत्म ही नहीं होता। सैम डर के वापस आने लगती है पर जिस डोर से वो अंदर आई थी वो वहां पर नहीं था। दरअसल वो स्टोर रूम के अंदर एक मेज थी यानी कि भूल भुलैया, और आपको याद होगा कि शुरू में इन दोनों को कुछ आवाजें दीवारों के पीछे से आती थी और एडना शुरू में मिसिंग थी तो वो इसी भूल भुलैया के अंदर चली गई होगी एंड इवेंचुअली वो वापस आ गई थी। तभी तो वो सुबह सुबह वहां पर चाय बना रही थी और उसने के सर पर हाथ भी फेरा था। खैर अब सैम वहां पर फंस गई थी और वहां पर उसको एडना के नोट्स भी नजर आते हैं। इसका मतलब ये था कि एडना जब भी मिसिंग होती थी तो वो यहीं पर आया करती थी। मीनवाइल यहां पर एडना अपने बाथटब में नहा रही होती है और उसके चेस्ट पर जो ब्लैक मोल्ड यानी कि काला धब्बा था वो हर जगह फैल रहा था। वो उसे मिटाने के लिए चाकू से चेस्ट पर वार करने लगती है। यहां पर वाटर ओवरफ्लो को देखकर के उससे ये पूछती है कि क्या वो ठीक है। जब कोई भी आवाज नहीं आती तो वो तोड़कर अंदर जाती है और उससे ये पूछती है कि उसकी चेस्ट को ये क्या हो गया है, लेकिन तभी घर की इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है और अब अंधेरे में एडना बाथरूम से स्टोर रूम की ओर भागने लगती है। के भी अब उसका पीछा करती है एक कैंडल जलाकर। एडना अब सीधा उसी भूल भुलैया में चली जाती है जहां पर सैम थी। अब यहां पर एक अजीब सी चीज ये होती है कि एडना की व्हाइट स्किन गिर रही थी। वो उसी बूढ़े काले आदमी की तरह दिखने लगती है जिसको के ने अपने सपने में देखा था, जो कि असल में के परदादा थे। अब यहां पर एडना के पर वॉयलेंटली हमला करने लगती है और यहां पर ऐसा लगता है जैसे कि किसी डीमन ने उसको पजेस कर लिया हो। खैर अब के वहां से भागती है और वो सैम से जाकर मिल जाती है। दोनों भागकर एक डेड एंड की तरफ आते हैं जहां उन्हें ये पता लगता है कि वो एंड उनके घर के हॉल में खुलता है। दोनों मिलकर एक स्टील रॉड से उस दीवार को तोड़ने लगते हैं जो कि असल में लकड़ी से बनी हुई थी। इसी बीच एडना भी उनका पीछा करके वहां आकर हमला करने लगती है। जब तीनों वापस घर के हॉल में आते हैं तब सैम एडना को जोर से मारती है, उससे वो बेहोश हो जाती है। ऐसा लगता है कि एडना एक डिमोनिक पावर का शिकार हुई थी जिसके कारण उसकी स्किन ब्लैक हो रही थी, बट ये चीज एक मात्र मेटाफोर था और वो धीरे धीरे अंदर से मर रही थी। अब सैम और के दोनों घर से भागने लगते हैं, लेकिन के को फ्रंट ग्लास को देखकर अपना सपना याद आता है कि कैसे उसके परदादा जी को भी मरने के लिए छोड़ दिया गया था और वो भी सेम चीज करने वाली थी। उसको यहाँ पर अपनी गलती समझ आती है और वो वापस घर में जाकर एडना की काली बॉडी को बेड पर बैठाती है, उसकी पूरी व्हाइट स्किन को निकालकर उस डरावने चीज को किस करती है, जो कि बेसिकली यहाँ पर ये दर्शाता है कि उसने अपनी माँ के बुढ़ापे को एक्सेप्ट कर लिया था। उसे सुलाकर उसके बगल में वो भी सोती है और बाद में वहां पर सैम भी आकर उसके बगल में सो जाती है। यहाँ पर सैम भी अपनी माँ के पीठ पर काला धब्बा नोटिस करती है, विच मींस कि इनके पूरे खानदान के अंदर डिमेंशिया है और सैम भी अब अपनी माँ को बुढ़ापे में ऐसा होते हुए देखेगी और बूम, फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी रेलिक फिल्म की कहानी। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली ये फिल्म मेंटल इलनेस डिमेंशिया के बारे में है जिसको हॉरर के एंगल से दिखाने की कोशिश करी गई है। डिमेंशिया एक अकेली बीमारी नहीं है बल्कि बीमारियों के समूह का नाम है। अक्सर हम इसे भूलने की बीमारी से जानते हैं। फिल्म का हर पार्ट डिमेंशिया के लक्षणों को एक्सप्लेन करता है। यदि आपका मन स्वच्छ है तो आप अपने आसपास भी स्वच्छता रखेंगे।
अगर आपका मन मैला होगा तो गंदगी बाहर भी दिखेगी। यहाँ पर जो गोडाउन और घर दिखाया गया है वो इसी खराब मन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर एडना को ये बात पता थी कि वो सब कुछ भूल रही है, इसलिए उसने सभी के लिए नोट्स बनाकर चिपकाए थे। वो जो भूल भुलैया है वो कॉन्शियसनेस की हालत को दिखाता है कि कैसे डिमेंशिया के लोग अपने ही माइंड में ट्रैप हो जाते हैं हर दिन। यहाँ पर चेस्ट पर जो काला धब्बा दिखाया गया है यानी कि ब्लैक मोल्ड, वो स्लो प्रोग्रेशन को शो करता है। डिमेंशिया एक दिन में नहीं आता, धीरे धीरे इंसान को अंदर से खत्म करता है। यहाँ पर इनके परदादा की जो कहानी है वो इस बीमारी के सिम्टम्स को दिखाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बीमारी इनके पूरे खानदान में थी, जो कि के को भी लगने वाली थी। यहाँ पर एंड में एडना को एक डरावने डेविल के तौर पर दिखाया गया है, जो कि ये पेशेंट्स की माइंड की हालत होती है, कम्प्लीटली ब्लैंक, कुछ भी याद नहीं रहता। लोग अक्सर ऐसे ओल्ड पीपल को शैतान की तरह एक प्रॉब्लम मानकर उनसे दूर भागते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अपने बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए और उनका साथ बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। फिल्म में हॉरर और सोशल मैसेज का एक अच्छा मिक्सचर है। ये एक प्रॉपर हॉरर फिल्म ना होकर एक चिलिंग सा माहौल सेट कर देती है, जो कि काफी अच्छा है अगर आप इसको एक रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको अपने लेट ग्रैंडफादर की एक कहानी बताना चाहता हूँ, जो कि बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अगर आप ये स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड हैं तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। तो मेरे दादाजी का देहांत पिछले साल यानी कि 2019 में 30 जून को हुआ था। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ उनके सिम्टम्स बताता हूँ, जो कि मेरे ख्याल से इनिशियल स्टेज था डिमेंशिया का। वो अक्सर बहुत सारी चीजें भूल जाया करते थे और उनको बहुत अजीब सा फील हुआ करता था। वो ये बोलते थे कि उनको अंदर से बहुत अजीब सा लगता है और उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लाइक कई बार वो बिना मतलब गुस्सा करते थे, फिर सडनली उनका बिहेवियर चेंज हो जाता था। और उनके डेथ से एक महीने पहले वो हमेशा ये बोलते थे कि उनको कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि उनको लेने आ रहे हैं। और वो अक्सर सपने में ये बोलते थे कि ये मेरा घर है और मैं यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। और अक्सर उनका ये भी कहना था कि ये घर बदल चुका है, ये घर पहले जैसा नहीं है जैसे पहले था। तो ये फिल्म मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी और इसका कॉन्सेप्ट भी काफी अच्छा था, क्योंकि मैं इसको पर्सनली अपनी लाइफ से कनेक्ट कर पाया हूँ। एंड यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरे पेरेंट्स ने, मेरे अंकल्स ने और मैंने, सब ने उनकी काफी देखभाल करी थी, उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ा था। तो मेरी आपसे भी यही गुजारिश है कि अगर आपके घर में कोई ओल्ड पर्सन है तो आप उसको अच्छे से रखिए, अच्छे से बिहेव करिए। और मेरा ये मानना है कि अगर वो कोई चीज भूल जाते हैं तो आप उनको बार बार याद दिलाइए या फिर उनको बहुत अच्छे से रखिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और इसका कॉन्सेप्ट कैसा लगा। और बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी गेस कर लिया है कि अगली वीडियो पर हमारे यहाँ पर क्रिप्ट टीवी का कंटेंट फीचर होने वाला है, तो उस वीडियो के लिए आई एम रियली एक्साइटेड। और अगर आप भी एक्साइटेड हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना और बेल आइकॉन दबा देना, ताकि आप तक उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगी। एंड इट्स गोइंग टू बी रियली रियली एक्साइटिंग, आई मीन बहुत ही ज्यादा मस्त वीडियो होने वाली है। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे।